मुझे किस्सा याद आता है कि मैं केदारनाथ में रिपोर्टिंग कर रहा था और लंबी लंबी कतार थी, माइनस में टेम्परेचर चला गया था और एक लड़का नंगे पांव मुझे मंदिर के बाहर खड़ा हुआ और बिल्कुल ध्यान में एकदम खड़ा हुआ पूजा पाठ करता नजर आता, हाथों में कुछ प्रसाद उशाद ले रखा होगा। तो मैंने उसके पास जाकर पूछा, मैंने कहा इतनी ठंड है, मैंने ग्लव्स पहन रखा है और सब अलग अलग चीजें मंगाई थी ठंड से बचने के लिए, और तुम नंगे पैर खड़े हो, चप्पल कहाँ पर है? तो उसने कहा चप्पल हमें नीचे ही उतार रही थी। मैंने कहा नीचे कहाँ पर? बोला जहाँ होटल था। तो मैंने कहा किससे आए हो? उसने बोला पैदल। तो मैंने कहा नंगे पैर पैदल आए? उसने कहा हाँ। तो मैं बड़ा हैरान क्योंकि हम ठंड का टूर रहे थे। तो उसने मुझसे एक बात कही जो मैं भूल नहीं पाया। उसने कहा कि अगर मुझे केवल भगवान शिव के दर्शन करने होते तो मैं घर पे कर लेता, मेरे घर के बगल में छोटे छोटे मंदिर हैं जहाँ पर जाता शिवलिंग, मुझे केदारनाथ के दर्शन करने थे, भगवान यहाँ तपस्या करने आए थे और तपस्या के स्थान पर दर्शन, तो एक तपस्या के थ्रू में जाऊँगा।